नमस्कार मित्रों, एक बहुत छोटा सा वीडियो आप लोगों की अदालत में, क्योंकि मैं कोई निर्णय कर नहीं पा रहा हूं। मस्तिष्क पे सोचने का प्रयास करता हूं, मस्तिष्क से सोचने का प्रयास करता हूं, कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता। बात वही आती है रेजिडेंट डॉक्टर मोमिता की, रेप और हत्या की। ये कहा जा रहा है गैंग रेप हुई है, हत्या हुई है। गैंग रेप का अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया है, लेकिन जो लिक्विड साइंटिफिक भाषा में वेजाइना में मिला है 151 ग्राम, उससे ये पूरी तरह साबित हो चुका है गैंग रेप हुआ है। गैंग रेप हुआ है, एक ही कल्प्रिट पकड़ा गया है, बाकी के कल्प्रिट कहां है? सीबीआई भी कोशिश कर रही है, राज्य सरकार पूरी तरह से इस काम में विफलता रही है, और ममता जी ने ये बंगाल पे नहीं पूरे देश पे एक बार फिर कलंक लगा दिया है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं आपसे, एक कल्प्रिट संजय पकड़ा गया, जेल में है, अभी उसके नार्को टेस्ट की बात चलेगी। यदि बाकी के कल्प्रिट भी, मैं कहता हूं भगवान करे, जल्दी से जल्दी पकड़े जाए, ये पूरी तरह से लगभग प्रमाणित हो चुका है रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, मर्डर हुआ था। जो कैदियों को सजा होगी आजीवन कारावास की होगी, जी हां आजीवन कारावास की होगी। यदि माइनर का रेप होता है तो मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, लेकिन रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा है। और यदि मैं किसी से भी प्रश्न करूंगा, एक बच्चे 10वीं क्लास के बच्चे से लेके एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति तक, पुरुष हो महिला हो, मैं प्रश्न करूंगा ऐसे जो दुष्कृत्य करने वाले हैं ऐसे अपराधियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, सभी यही कहेंगे मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए। क्या मेरी बात गलत तो नहीं है? किसी से आप पूछिए, हर कोई ये कहेगा दे मस्ट बी पनिश्ड डेथ टू सेंटेंस, सॉरी सेंटेंस टू डेथ। कोई भी ये नहीं कहेगा इससे कम सजा मिलनी चाहिए। जरा पुराना इतिहास उठा के देखें, पहले भी बलात्कार हुए हैं और बलात्कार के कई आरोपियों को आजीवन कारावास भुगतना पड़ रहा है और भुगतना चाहिए। आज मैं आपसे पूछता हूं मौमिता केस में क्या सजा होनी चाहिए? सब लोग ये कहेंगे उसको हैंग कर देना चाहिए, चौराहे पर लटका देना चाहिए। ये जो हमारा क्षणिक आक्रोश है ये हमें कह रहा है, और क्षणिक नहीं, मेरे लिए तो ये यदि मुझसे पूछा जाए ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चौराहे पर जल्दी से जल्दी लटकाना चाहिए ताकि वो समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। लेकिन अब मैं जनता की अदालत में, आपकी अदालत में एक प्रश्न चिन्ह रख रहा हूं, यदि इन कैदियों को सजा हो जाती है, आजीवन कारावास हो जाता है, और फिर उनको बिना किसी कारण पेरोल या फिरोल पर छोड़ दिया जाता है, तो क्या यह उस मौमिता के साथ न्याय होगा? ऐसा ही प्रसंग मैं आप लोगों से सामने रख रहा हूं, मैं आप लोगों से प्रश्नवाचक चिन्ह लगा के पूछ रहा हूं। दो हमारे देश के सो कॉल्ड संत आशाराम जी और बाबा राम रहीम, शायद दोनों ही एक से अधिक रेप के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, दोनों ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जब बच्चियों का रेप प्रूव हुआ था उस समय भी यही आक्रोश था, उनको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, लेकिन आजीवन कारावास मिला। न्याय के हमें स्वीकार करना चाहिए, न्यायपालिका का आदेश हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ऐसे अपराधियों को जब आजीवन कारावास मिला है उनको पेरोल या फिरोल पर छोड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसी आवश्यकता थी जो आशाराम जी को और बाबा राम रहीम जी को आपने पेरोल या फरलो पर जेल से बाहर कर दिया? ये बलात्कारी हैं, ये वही बलात्कारी है जिन्होंने एक बार नहीं कई बार कई लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी जिंदगी बिगाड़ी है। क्या कोई कारण मुझे यह समझा सकता है आशाराम जी को अभी क्यों बेल मिली है, या राम रहीम को बेरोल मिली है या फरलो मिली है, जो दोनों में से जो भी मिली है, कारण क्या है? ऐसा क्या कारण था जब इन्होंने इतना घृणित अपराध किया था, रेप जैसा कार्य किया था, पेरोल पर आपने बाहर छोड़ दिया? क्या राम रहीम को 10 बार पेरोल देने के लिए
न्यायपालिका पर और राज्य सरकार पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठता, हरियाणा सरकार और हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब दोनों एक ही हैं चंडीगढ़ में। क्या जरूरत थी समय आशाराम और राम रहीम को पेरोल देने की? जब हम इस प्रकार की पेरोल देते हैं तभी इस प्रकार के गुनाहगारों की मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है। कृपया कृपया ऐसे दोषियों को पेरोल और फरलो देने का प्रयास न करें। नमस्कार।